हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में। और दोस्तों, साथ में ये बताएंगे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर जो कुशीनगर का जो NH-28 है वहाँ तक जो 4 लेन बन रहा है उसका क्या अपडेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एयरपोर्ट से लेकर जो NH-28 है वहाँ तक जो 4 लेन बन रहा है उसका अपडेट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी ज़मीन थी उसका पूरा काम हो गया है, यानी कि अब उस पर जो है वो जो गिट्टी भराव है वो भी हो गया है। अब उसको लोलर के द्वारा उस पर बैठाया जा रहा है। और ठीक है, और बहुत सारे जहाँ जहाँ पुलिया बन रही हैं वो भी पुलिया बन रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क है वो कुशीनगर एयरपोर्ट से लेकर जब आप कस्या से कुशीनगर जाते हैं तो कस्या का जब सड़क जाकर मेन हाईवे पर जब मिलता है तो वहाँ तक यह जो सड़क है वो बनेगा। यानी कि एयरपोर्ट से लेकर जैसे हम NH-28 पर चढ़ेंगे वहाँ तक यह 4 लेन जो है वो बन रहा है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 30 मीटर से ज़्यादा है। और इसका काम जो है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आखिर कब शुरू होगा, कब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट आएगी और कौन कौन से जो काम है वो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हो चुके हैं, ये मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग 99% जो काम है वो कम्प्लीट हैं। लगभग 1% जो काम है वो भी बाकी हैं, जो कि बहुत ही तेज़ी से उसका भी काम हो रहा है। यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन था, इसलिए भी थोड़ा जो काम है वो थोड़ा डिले हो रहा है था। लेकिन अब लॉकडाउन भी खुल हो गया है, अब कुशीनगर एयरपोर्ट का जो भी काम है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। हाय, पिछले हफ्ते ही जो विमान आया था कुशीनगर एयरपोर्ट पर वो पूरी तरह से इसका जायज़ा लिया और फिर से चला गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो विमान आया था ये भोपाल से आया था, फिर से यहाँ से भोपाल चला गया। ये बेसिकली जो है वो रनवे टेस्टिंग और भी कई चीज़ों के लिए यहाँ पर आया था, जो कि पूरी तरह से हरी झंडी दिखा दिया है। यानी कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो अब शुरू होने के कगार पर है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर कब कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर ही कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो शुरू होने की उसकी जो है संभावना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो अब शुरू हो गया, सॉरी उसका जो टिकट है वो बुक हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी टिकट उकट बुक नहीं हो रहा है, आप सब इस मामले में मत पड़िएगा। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा अपडेट। हमें उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा।